नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा, एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। थाने में प्रदर्शनकारियों के कपड़े उतरवाने और फोटो खींचकर वायरल करने वाले टीआई और थाना प्रभारी लाइन अटैच रंगकर्मी की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए किया था प्रदर्शन। पुलिस अधीक्षक पर भी गिर सकती है सरकार की गाज। सर्किट हाउस बलात्कार कांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी कथित बाबा सीताराम दास को भगाने में था शामिल। वहीं पकड़े गए सहयोगी संजय त्रिपाठी और अंशु मिश्रा की जिला न्यायालय ने खारिज की जमानत। नायब तहसीलदार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश। आरटीआई आवेदन पर समय पर जानकारी उपलब्ध न कराने के चलते हुई कार्रवाई। राज्य सूचना आयोग ने की सुनवाई। मऊगंज के उप तहसील देवतलाब के नायब तहसीलदार मान सिंह आर्मो राज्य सूचना आयोग के द्वारा जारी की गई नोटिस पर नहीं दिया था संतोषजनक जवाब। जिले के अलग अलग स्थान पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। कई स्थानों पर चला बुलडोजर। माफिया अपराधियों के मकान ढहाए गए। प्रशासन और पुलिस की टीम का संयुक्त अभियान जारी। गोविंदगढ़ में भी हुई कार्रवाई। रामनवमी पर शहर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। रामनवमी उत्सव समिति के द्वारा सर्व समाज की बैठक में लिया गया निर्णय। ऐतिहासिक जयस्तंभ को बचाने में जुटने लगे शहर के लोग। जयस्तंभ बचाने में विश्व शांति के लिए जलाए जा रहे हैं दीप। और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग विभाग का नया कीर्तिमान। चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन कर बचाई हृदय रोगी की जान। स्वीकृत बजट का उपयोग नहीं होने पर आयुक्त ने जताई कड़ी आपत्ति। मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी समिति की बैठक में लगाई फटकार। राशि का उपयोग होने के बाद ही मिलेगा नया बजट। अस्पताल में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और विश्वविद्यालय की भूमि का कई जगह दोबारा सीमांकन, फिर भी अतिक्रमण मिला। राजनीतिक दबाव की वजह से सीमांकन में अतिक्रमण छूटा। नापचोक जारी। बिना परमिट की चल रही बस को आरटीओ ने किया जब्त। चेकिंग अभियान के तहत यात्री बस को किया गया जब्त। रीवा लालगांव कटरा रोड पर चेकिंग अभियान के दौरान कटरा से रीवा आ रही यात्री बस के खिलाफ कार्रवाई। चालक के पास नहीं था लाइसेंस। और फरार अपराधियों पर पुलिस अधीक्षक ने किया इनाम घोषित। गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी शोभित उपाध्याय एनडीपीएस एक्ट में फरार। आरोपी रवि सिंह मनवा निवासी नितिन गुप्ता, मनवा निवासी आशीष पटेल, आरोपी अभिषेक द्विवेदी निवासी बिलौहन टोला पर 5,000 रुपयों का इनाम घोषित। और पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। जावेद खान की शिकायत पर राकेश उपाध्याय सिकंदर लालू के साथ ही अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। वहीं दूसरे पक्ष से राकेश उपाध्याय की शिकायत पर अमर चमकेल, बुड्डा खान, जावेद खान और अन्य के खिलाफ भी हुई एफआईआर। समाज में घृणा फैलाने के उद्देश्य से व्हाट्सएप में असामाजिक मैसेज वायरल करने वालों के खिलाफ हुई दर्ज एफआईआर। कोतवाली पुलिस ने फिरोज खान निवासी गोबर के खिलाफ दर्ज किया आपराधिक मामला। जाँच में जुटी पुलिस। और पुराने विवाद को लेकर घर के अंदर घुसकर गाली गलौज, मारपीट का विरोध करने पर जान से मारने की दी धमकी। बिछिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्नौजा निवासी वनस्पति दाहिया के घर रमेश साकेत, सुरेश साकेत, सुनील सोनिया ने की मारपीट। महिला के साथ पुलिसकर्मी ने की मारपीट। महिला ने दर्ज कराई शिकायत। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की दी धमकी। मामला पुलिस लाइन 33 क्वार्टर निवासी दशरथ सिंह के खिलाफ महिला ने की शिकायत। और घर में घुसकर बदमाशों ने चुराया नकदी अज्जा। बदमाश के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पटना निवासी राजेंद्र सिंह के घर में हुई 45,000 रुपयों की चोरी। और घर में घुसकर सेंध लगाकर सोने चांदी के जेवर सहित लाखों रुपयों का सामान हुआ चोरी। मनगवा थाना क्षेत्र के धवैया निवासी रवि कुमार तिवारी के घर में हुई चोरी की बड़ी वारदात। नशीली कप सिरप की बिक्री करते हुए पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी से नशीली कप सिरप बरामद। सामान पुलिस ने शिल्पी सीमेंट के पास उदसिया पटेल नाम की महिला को किया गिरफ्तार। फटाफट हेडलाइंस के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।